हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। इसमें मापन द्वारा व्यक्तियों के गुणों या व्यक्तिगत भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मूल्यांकन किया जाता है। एक समूह में सजातीय मतलब होमोजीनियस लोगों की संख्या अधिक है या हेट्रोजीनियस यानी विषम जाति लोगों की संख्या अधिक है, इस बात का पता लगाने के लिए मानक विचलन मापकों को यूज़ किया जाता है, उनके द्वारा इसका पता लगाया जाता है। इसको मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, मेजर्स ऑफ स्प्रेड, मेजर्स ऑफ स्कैटर, मेजर्स ऑफ डेविएशन कई नामों से जाना जाता है। लिंडक्यूस्ट के अनुसार विचलनशीलता वह सीमा है जिसमें प्राप्तांक अपने मध्यमान के ऊपर और नीचे की ओर वितरित या विचलित रहते हैं। जैसे एक पॉइंट से या ऊपर प्लस की तरफ या नीचे माइनस की तरफ। किसी अंक सामग्री का विचलन अंक उस अंक सामग्री के मध्यमान के दोनों ओर उसके विभिन्न अंकों के विचलन या फैलाव को प्रदर्शित करता है। जैसे स्केल होता है तो राइट हैंड साइड प्लस और लेफ्ट हैंड साइड माइनस की ओर जाते हैं ज़ीरो से, तो वो एक ज़ीरो से एक तरफ से लेके ज़ीरो के दूसरी तरफ तक कितना फैलाव है यह विचलन प्रदर्शित करता है। विचलन मानों की सहायता से विभिन्न समूहों का शुद्ध वर्णन और तुलना की जाती है। अब समजातीय वितरण की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि समजातीय वितरण का जो प्रसार है वो अपेक्षाकृत काफ़ी कम होता है, और दूसरा वितरण में प्राप्तांकों का धनीकरण मध्यमान के आसपास होता है। और विषम जाति वितरण की विशेषताएं हैं, पहला इस प्रकार के वितरण में प्रसार अपेक्षाकृत अधिक होता है, और दूसरा इस प्रकार के वितरण में प्राप्तांकों का धनीकरण मध्यमान के निकट ना होकर दूर दूर तक फैला रहता है। इस प्रकार से ये है विचलन दो तरीके के। अब उसी विचलन के जो माप है वो पांच मुख्यतः पांच प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो विचलन के मापों के प्रकार में बच्चों, पहला प्रकार है प्रसार यानी द रेंज, दूसरा है मध्यमान विचलन द एवरेज और द मीन डेविएशन, तीसरा है चतुर्थांश विचलन यानी क्वार्टाइल डेविएशन, इसको सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं, और चौथा है मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन, और पांचवा है विचलन गुणांक। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए पहले जानते हैं प्रसार को। तो बच्चों, विचलन के मापकों में प्रसार यानी रेंज अपेक्षाकृत सरल माप है। इसका उपयोग आवृत्ति वितरण तालिका यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते समय किया जाता है। अधिकतम अंक या मान यानी हाईएस्ट स्कोर और न्यूनतम अंक यानी लोएस्ट स्कोर के अंतर को प्रसार कहते हैं। इसका जो सिंबल है या संकेत चिन्ह आर है। अब आते हैं प्रसार के गुणों पे। प्रसार के गुण में पहला गुण है यह अधिकतम और न्यूनतम अंकों के बीच की दूरी है, और पैमाने पर यह एक दूरी है न कि कोई स्थिति। दूसरा, दिए हुए प्राप्तांकों के मध्य के प्राप्तांकों का प्रभाव प्रसार पर नहीं पड़ता है। तीसरा, प्रतिदर्श का आकार अवश्य प्रसार को प्रभावित करता है। कई बार बड़े प्रतिदर्श का प्रसार बड़ा और छोटे प्रतिदर्श का प्रसार छोटा होता है। चौथा, प्रसार का प्रयोग केवल वर्णनात्मक स्तर तक ही किया जाता है, निष्कर्षात्मक कार्यों में इसका उपयोग नहीं है। पांचवा, प्रसार की गणना बहुत सरल है और इसका प्रयोग आवृत्ति वितरण बनाने में किया जाता है। अब जानते हैं बच्चों प्रसार की क्या सीमाएं या क्या दोष हैं। क्योंकि प्रसार में किनारे की संख्याओं को महत्व दिया जाता है, इसलिए प्रसार कम विश्वसनीय विचलन माप है, पहला। दूसरा, प्रसार की विश्वसनीयता उस समय और अधिक कम हो जाती है जब n का मान अधिक या कम होता है।
तीसरा, जब एन की संख्या कम हो तो आंकड़ों के अंकों में अंतर अधिक हो तो प्रसार की गणना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में प्रसार विचलन की माप शुद्ध या सत्यपूर्ण नहीं होती। चौथा, जब दो प्रतिदर्श की संख्या भिन्न भिन्न हो या दो समूहों के एन का मान भिन्न भिन्न हो तब प्रसार की गणना नहीं की जानी चाहिए। और पांचवा, यदि वितरण में खाली स्थान अधिक हो तो प्रसार नहीं ज्ञात करना चाहिए। तो अब ये जान लेते हैं कि प्रसार का प्रयोग करना कब चाहिए। तो वेन टू यूज़ अ रेंज, पहला, जब प्रदत्त इतने बिखरे हों कि अन्य विचलन मापकों का प्रयोग न किया जा सके तब प्रसार का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, जब किसी वितरण के विचलन की सरलता और अतिशीघ्रता से पता लगाना हो तब प्रसार का यूज़ करते हैं। तीसरा, जब वितरण का कुल फैलाव ज्ञात करना हो। चौथा, जब प्रारंभ और अंत के प्राप्तांकों को महत्व देना हो। पांचवा, जब अधिक शुद्ध विचलन की आवश्यकता न हो। और छठा, जब अंक वितरण बहुत छोटा हो या इतना बड़ा हो कि शुद्ध गणना करना व्यर्थ हो, वहाँ हम प्राप्तांकों में प्रसार का उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, ये है प्रसार से संबंधित तथ्य। अब आइए जान लेते हैं कि प्रसार को सवाल के माध्यम से या प्रश्न के माध्यम से कैसे हल करेंगे। यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे प्रसार का जो सूत्र है वो है R is equal to the highest score minus lowest score, मतलब अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। तो इस प्रकार से आपको प्राप्तांकों का प्रसार दिया होगा सवाल में। जैसे उदाहरण स्वरूप हम देख लेते हैं, निम्नलिखित प्राप्तांकों का प्रसार ज्ञात कीजिए। संख्याएं या प्राप्तांक दिए हैं 21, 35, 38, 26, 27, 28, 30, 32, 24, 19, 22, 30। अब इसमें से आपको देखना है हाईएस्ट स्कोर कौन सा है। तो आप देखेंगे 38 यानी 38 हाईएस्ट स्कोर है और 19 यानी 19 लोएस्ट स्कोर है। तो हाईएस्ट स्कोर में से लोएस्ट स्कोर को आप माइनस कर देंगे, आंसर आपका 19 आ जाएगा। तो प्राप्तांकों का जो प्रसार है वो 19 है। तो बच्चों, ये है प्रसार। इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्यमान विचलन नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।